सेफ्टी लॉज एंड रेगुलेशन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन एंड रिपोर्टिंग टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन इसमें हम पहले एक्सीडेंट की डेफिनेशन देखेंगे इसकी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट्स देखेंगे टाइमिंग देखेंगे स्ट्रेटजीज देखेंगे कैसे इनको डील करना है इन चीज़ों को हम यहाँ देखेंगे डेन हैड शो डिफाइंड एज एक्सीडेंट एज एनी अनप्लैंड इवेंट दैट काज इज इंजरी इलनेस property damage or harmful disruption of work process is known as accident. The accident is a comprehensive definition easily managed to inverters comma. Two types. Number one, accident reports, accident analysis reports. Types of invest, types of accident investigation. An accident report is completed when the accident is questioned.

अगर वो सीरियस है इन्वेस्टिगेशन टीम बनती है प्रॉपर अपनी फाइंडिंग्स देती हैं वो एक और चीज़ होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इस तरह की डिवेल्प की जाए इस तरह की वो टीम अपना रिपोर्ट्स दे सोलूशन रिकमेंड करे कि नेक्स्ट टाइम उस तरह का दोबारा एक्सीडेंट ऑर्गेनाइजेशन मक ना हो फर्स्ट थिंग टू डू वेन एन एक्सीडेंट प्लेस इज टू इम्प्लीमेंट एमरजेंसी प्रोसीजर दिस इन्डर कंट्रोल एंड केयरिंग फॉर इंजर्ड वर्कर्स वेन टू इन्वेस्टिगेट इसका ये डी ए स्टूडेंट आंसर है कब अगर किसी किस्म की इंजरी हो जाती है तो उस वक्त आपको उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और उसी वक्त करना चाहिए जस्टिस डिलेड मीनस जस्टिस यहाँ पर यह देखा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब किसी किस्म का इवेंट हुआ उस वक्त आपको ज़्यादा बेटर शोहद मिल सकते हैं क्योंकि बहुत से लोग चाहते ना चाहते हुए उस इवेंट को देख रहे होते हैं वॉच कर रहे होते हैं अपनी ओपिनियन दे सकते हैं उसी वक्त उसको देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वन टू इन्वेस्टिगेट एनदर इज दैट आल एक्सीडेंट्स नो मैटर हाउ स्मॉल शुड बी इन्वेस्टिगेटेड एविडेंस सुजेस्ट दैट सेम फैक्टर दैट काज माइनर एक्सीडेंट काज मेजर एक्सीडेंट्स ऐसा देखा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन में पहले छोटे छोटे एक्सीडेंट्स होते हैं अगर उनको कंट्रोल ना किया जाए मैनेज ना किया जाए तो वही चीज़ें बड़े एक्सीडेंट में भी बदल जाती हैं मैं एक छोटी सा एग्जाम्पल देता हूँ अगर एक बच्चा छोटी सी फर्ज करे कि चोरी करता है हैफ्ट में इन्वॉल्व है आप उसको मना नहीं करेंगे तो चांसेस है कि फ्यूचर में वो ज़्यादा बड़े लेवल के ऊपर भी चीज़ छुरा सकता है इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स सी बड़ी प्रॉब्लम का बायस बनती हैं वट टू इन्वेस्टिगेट द पर्पज़ ऑफ़ एन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन इज टू कलेक्ट फैक्ट इन्वेस्टिगेशन का बुनियादी मकसद फैक्ट कलेक्ट करना है ताकि वो फैक्ट कलेक्ट करके किसी किस्म की प्रॉपर फाइंडिंग को डेवलप किया जा सके और फ्यूचर प्लान डेवलप किए जा सके हमेशा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का ये मकसद होता है इट इज़ नॉट टू फाइंड फॉल्ट क्वेश्चन क्या है कलेक्ट फैक्ट नॉट टू फाइंड फॉल्ट वो हम बाद में देखेंगे कि कहाँ पर किस जगह किसका फॉल्ट है ताकि उसको हम दोबारा से कवर कर सकें इट इज़ इम्पोर्टेंट डैट सेफ्टी एंड मेक दैट दिस डिस्ट

ये नो प्रॉब्लम सम टाइम इन्वेस्टिगेशन टीम डिवेल्प की जाती है सम टाइम सुपरवाइजर इन्वेस्टिगेशन करता है सम टाइम ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर ऑफिसर की ये ड्यूटी लगा दी जाती है जो उस सिस्टम से फैमिलियत है कि वो उस इन्वेस्टिगेशन को लेके चलेगा हु शुड इन्वेस्टिगेट फैक्टर कंसिडरिंग हाउ टू अप्रोच एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन इन क्लोड नंबर वन साइज ऑफ ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है को बताने की जरूरत नहीं है अगर ऑर्गेनाइजेशन पचास इम्प्लाई उससे बड़ी है सेल वालीम ज़्यादा है एलेक्ट्रिसी बिल उसके ज़्यादा है नंबर ऑफ़ इम्प्लाइज ज़्यादा हैं वालीम में ज़्यादा है एक्सपोर्ट कर रही है या फर्ज लोकल सेल कर रही है प्रोडक्शन ज़्यादा है तो दैट विल बी पार्ट ऑफ साइज़ ऑफ लार्ज साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोग्राम टाइप ऑफ एक्सीडेंट सीरियसनेस ऑफ एक्सीडेंट ये बेसिकली अप्रोचेज़ हैं जिनको देख के हम लोग ये डिटर्मिन कर सकते हैं कि किस तरह हम उन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना है टेक्निकल कम्प्लेक्सिटी नंबर ऑफ टाइम्स दैट सिमिलर एक्सीडेंट्स हैव अकर्ड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सीडेंट पहले भी हुआ रिपोर्ट नहीं आई रिपोर्ट आई तो उसकी रिजल्ट इंप्लीमेंट नहीं किए गए वही एक्सीडेंट दोबारा कर हो गया तो दिस इज़ नॉट गुड इसका मतलब है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये चीज़ हैबिचुअल होगी यूज्ड टू ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी तो इस तरह आप उससे बेटर नतज नहीं ले सकते कंपनीज़ मैनेजमेंट फिलासफी ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मैनेजमेंट है उसकी फ़िलासफी क्या है फिलासफी बेसिकली दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है फिलो पी एच आई एल ओ फीलो लव को कहते हैं एस ओ पी एच वाई सोफी विजडम को कहते हैं फिलासफी लव ऑफ विजडम को कहते हैं तो इसका मतलब अक्लमंदी के साथ मोहब्बत है ऑर्गेनाइजेशन के जो आनर हैं जो टॉप मैनेजमेंट है अगर उनकी मैनेजमेंट की फ़िलासफ़ी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करना नहीं है तो आप कभी भी उनसे रिजल्ट नहीं ले सकते अगर एम्प्लॉय को सपोर्ट करना है तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो काम दोबारा होने नहीं देंगे और लास्ट कंपनीज कमिटमेंट टू सेफ्टी एंड हेल्थ हाउ मच ऑर्गेनाइजेशन इज लायल रिगार्डिंग द सेफ्टी एंड हेल्थ रिगार्डिंग द इम्प्लाईज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अगर ऑर्गेनाइजेशन कमिटेड है कि हमने अपने इम्प्लॉय से काम लेना है एम्प्लॉय को हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिस देनी है बिलीव मी कि वो ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट आउटपुट प्रोडक्शन सेल वॉली प्रॉफिटेबिलिटी एज़ कंपेयर टू अदर ऑर्गनाइजेशन ज़्यादा बेटर होगी